सीट पर वोटिंग से पहले कन्हैया कुमार ने मनोज तिवारी को लेकर ऐसा क्या कह डाला है जो इसने दिल्ली का सियासी तापमान बढ़ा दिया है? आखिर कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने मनोज तिवारी को किस बात का निमंत्रण भेज डाला है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या चुनाव से महज दो दिन पहले नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट पर बाजी पलटने वाली है? लोकसभा चुनाव का रण अब और भी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। 25 मई को छठे राउंड में दिल्ली की सातों लोकसभा सीट पर वोटिंग है, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस कैंडिडेट कन्हैया कुमार ने इस लड़ाई को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। कन्हैया कुमार ने अपने प्रतिद्वंदी और बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी को डिबेट की चुनौती दे डाली है। कन्हैया कुमार ने इसके लिए समय, तारीख और स्थान भी मुकर्रर कर दिया है। बता दें कि कन्हैया ने एक्स पर पोस्ट करते हुए मनोज तिवारी पर बड़ा हमला बोला और उन्हें 3 बजे गोकुलपुरी वार्ड आकर डिबेट करने की चुनौती दी है। अब एक तरफ जहां कन्हैया ने मनोज तिवारी को ललकारा है, तो बीजेपी नेता ने भी अब इसका जोरदार जवाब दिया है। यहां के कांग्रेस कैंडिडेट ने, जो टुकड़े टुकड़े गैंग का नेता है, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे काली पोत दी है, ये कह के कि दिल्ली में गंदा पानी नहीं मिल रहा। यही स्वाति मालवली बोलने गई थी जब उनकी पिटाई हो गई। सच्चाई ये है कि दिल्ली को पानी देना, नल से जल देना, बुजुर्गों का पेंशन देना, राशन कार्ड बनाना, गलियों के जल जमाव को समाप्त करना, छोटी छोटी सड़कों का निर्माण करना, ये सारा दिल्ली सरकार का काम होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और इन सब में आज जो दिल्ली रो रही है, तो अगर उन्हीं के कैंडिडेट ने कह दिया कि पानी नहीं मिल रहा है, तो अब आज दिल्ली की जनता उस कैंडिडेट को भी बताएगी और आम आदमी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उनको भी पता चलेगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके दिल में देश धड़कता है, और वो लोग इस समय वैसे ही उनका मन बदल चुका है जैसा अनिल झा जी ने कहा। बता दें कि हाल ही में कन्हैया कुमार पर चुनाव प्रचार के दौरान हमला किया गया था। एक शख्स ने माला पहनाने के बहाने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया था। इस घटना के बाद कन्हैया कुमार ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला था और कहा था कि हमला करने वाले को मनोज तिवारी का समर्थन प्राप्त है। मनोज तिवारी जी के लिए उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता कह रही है, उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता कह रही है कि 10 साल में मनोज तिवारी जी दिखाई नहीं दिए, 10 साल में मनोज तिवारी जी ने इस क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं किया, और वो कह रहे हैं कि काम नहीं करने वाले सांसद को इस बार बदलेंगे, उत्तर पूर्वी दिल्ली में बदलाव। जानकारों का मानना है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर मनोज तिवारी काफी मजबूत उम्मीदवार हैं, इसलिए बीजेपी ने लगातार तीसरी बार उन्हें टिकट दिया है। पिछले 2 बार से मनोज तिवारी इस सीट से जीतते आ रहे हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलायंस के चलते मनोज तिवारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कांग्रेस कैंडिडेट कन्हैया कुमार की झोली में आम आदमी पार्टी के कोटे के वोट भी गिर सकते हैं, तो दूसरी तरफ माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के साथ लोगों की सहानुभूति जुड़ी हुई है, इसलिए कन्हैया के समर्थन में केजरीवाल का रोड शो करना मनोज तिवारी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्दी बन गया है। बहरहाल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट पर महज 2 दिन बाद वोट डाले जाने हैं। इस बार उत्तर पूर्वी दिल्ली के पूर्वांचली वोटर्स के सामने 2 बिहारी कैंडिडेट मैदान में खड़े हैं। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 24 की डगर में जनता की अदालत किसके पक्ष में फैसला सुनाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।